मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय सज्जनों और नासिक के सभी अग्रगणी मित्रों, मैं आजादी बचाओ आंदोलन के काम में लगा हुआ हूं। ये काम मैं कोई बहुत खुशी से नहीं कर रहा हूं। मेरे दिल में कुछ दर्द है इस देश की हालत को देखकर। ये उसका परिणाम है आजादी बचाओ आंदोलन। और ये दर्द क्या है? दर्द ये है कि हिंदुस्तान की जो हालत है आज के समय में, माने आजादी के 50 साल के बाद भी, वो इतनी दर्दनीय है, इतनी शोचकारक है, परेशान करने वाली है कि जो किसी भी संवेदनशील आदमी को अंदर से हिला सकती है। मुझे जो सबसे बड़ा दुख है इस देश की हालत के बारे में, वो दुख इस बात का है कि ये देश आजाद जरूर हुआ है, और एक तरफ हम आजादी के 50 साल की स्वर्ण जयंती की बात भी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई में ये देश जितना गुलाम अंग्रेजों के जमाने में था उतना ही आज भी है। बस फर्क इतना है, मैं उसको ऐसे कहता हूं कि आजादी के पहले इस देश में गोरे अंग्रेजों का शासन चलता था, और आजादी के बाद इस देश में काले अंग्रेजों का शासन चल रहा है। माने जो लोग इस देश पर शासन कर रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, वो शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आत्मा उन सब की अंग्रेजियत वाली है। और मुझे दुख एक दूसरी बात का और है कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था इस देश की आजादी का, वो सपना कहीं से भी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता। इस देश की आजादी के लिए जो क्रांतिकारी लड़ रहे थे, जो आंदोलन में लगे हुए थे, उन क्रांतिकारियों के मन के सपने क्या थे? तो सभी लोग ऐसा मानते थे कि जब आजादी मिल जाएगी तो इस देश में राम राज्य आ जाएगा, अंग्रेजों की त्रासवादी सरकार से मुक्ति मिल जाएगी। और जब राम राज्य की कल्पना होती थी उन क्रांतिकारियों के मन में, दिलों में, तो वो क्रांतिकारी अक्सर दो तीन बातें कहा करते थे। एक बात तो ये कही जाती थी कि जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो इस देश में कोई भी गरीब नहीं होगा। दूसरी बात ये कही जाती थी कि जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो इस देश में कोई बेरोजगार नहीं होगा। तो यहां से गरीबी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तीसरी बात ये कही जाती थी कि अंग्रेजों की सरकार हिंदुस्तान की जनता को जिस तरह से लूटती है, जिस तरह से परेशान करती है, आजादी मिलने के बाद जो सरकारें बनेंगी वो हिंदुस्तान की जनता को नहीं लूटेंगी और वो उस देश की जनता को परेशान नहीं करेंगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस देश में कही जाती थी, जिसको करीब करीब हर बड़ा क्रांतिकारी नेता कहता था, गांधी जी भी उसको कहा करते थे। एक बार गांधी जी से पूछा गया था कि आजादी के बाद के हिंदुस्तान के बारे में आपका सपना क्या है। एक विदेशी पत्रकार था, उसने पूछा था बापू से कि जब आजादी मिल जाएगी भारत को तो कैसा हिंदुस्तान का कल्पना, कैसी हिंदुस्तान की कल्पना आपके मन में है। तो गांधी जी ने एक ही लाइन में जवाब दिया था उसका कि आजादी के बाद के भारत में अगर अंग्रेज चाहेंगे तो रह सकते हैं,
मुझे अंग्रेजों से कोई नफरत नहीं है। अंग्रेज चाहेंगे तो हिंदुस्तान के मेहमान बनकर रह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजियत नहीं रहेगी। तो उस पत्रकार ने पूछा कि बापू, ये अंग्रेजियत से आपका मतलब क्या है? तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजियत का माने है हिंदुस्तान की सारी व्यवस्था जो अंग्रेजों द्वारा चलाई गई है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजों की चलाई हुई शिक्षण पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे, अंग्रेजों की चलाई हुई न्याय पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे, अंग्रेजों की चलाई हुई शासन पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे, अंग्रेजों की चलाई हुई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे। तो वो कहा करते थे कि जब अंग्रेज चले जाएंगे और स्वराज्य आ जाएगा तो हिंदुस्तान में ये कोई भी व्यवस्था नहीं चलेगी जो अंग्रेजों ने चलाई है, और आजादी के बाद हम इस देश में एक स्वदेशी की व्यवस्था चलाएंगे। गांधी जी के राम राज्य के सपने में सबसे मूल बात यही थी। और उन्होंने एक बार और कह दिया था एक और दूसरे पत्रकार के जवाब में कि ये राम राज्य कैसा होगा। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे राम राज्य की कल्पना है जिसमें 11 व्रत देश की नीतियों के रूप में चलाए जाएंगे। तो वो 11 व्रत कौन से हैं जो उन्होंने दिए इस देश के लिए? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, असंग्रह और ऐसे ऐसे 11 व्रत हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण व्रत है स्वदेशी, और वो कहते थे कि स्वदेशी के बिना राम राज्य हो नहीं सकता। ऐसी ही कल्पना गांधी जी जैसे बहुत सारे दूसरे नेताओं की भी थी। जैसे कभी कभी मैं एक दूसरा उदाहरण और देता हूं कि श्री सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी और उसका ऑफिस हिंदुस्तान में नहीं था, हिंदुस्तान के बाहर था, और वो एक अपने तरीके से क्रांतिकारी तरीके से हिंदुस्तान को आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनका भी एक बहुत ऐतिहासिक भाषण रेडियो पर टेलीकास्ट हुआ था जो उन्होंने रंगून से दिया था। उस भाषण में उन्होंने भी यही कहा था, माने गांधी जी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के रास्ते से आजादी लाने की कोशिश कर रहे थे, और सुभाष चंद्र बोस वो सारे तरीके अपनाना चाहते थे जिससे अंग्रेजों को मारकर भगाया जा सके। फौज भी बनानी है, आक्रमण भी करना है, मार भी देना है अंग्रेजों को, कोई सिपाही मिल जाएगा तो उसको नमस्ते नहीं कर लेना है। तो दो अलग अलग एक्सट्रीम के नेता थे इस देश में। एक बाजू में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तांत्या टोपे और ये सब थे, और दूसरे बाजू में महात्मा गांधी और ऐसे तमाम दूसरे लोग भी थे, लेकिन सपनों में कोई अंतर नहीं था। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि जो सपना महात्मा गांधी का था हिंदुस्तान के बारे में, वही सपना सुभाष चंद्र बोस का भी था। और वो भी यही कहा करते थे कि जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो इस हिंदुस्तान में हमारा सब कुछ जो है हिंदुस्तानी तरीके से चलेगा, अंग्रेजों के तरीके से हम कुछ भी नहीं चलाने वाले इस देश में, अंग्रेजों की कोई भी नीति इस देश में नहीं चलेगी। तो उनके सपने, गांधी के सपने, हिंदुस्तान के उन करोड़ों क्रांतिकारियों के सपने जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की, वो कमोवेश एक जैसे थे। एक दो डिग्री का फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं था उन सपनों में। मुझे जो दर्द है वो इस बात का है कि आज आजादी के 50 साल में उन सपनों का क्या हुआ, क्या हुआ इस देश में? कौन सा ऐसा ग्रहण लग गया इस देश पर कि ऐसा अच्छा देश जिसके बारे में सारी दुनिया में कहा जाता था कि जगत गुरु है, वो देश आज गड्ढे में गिरने की तैयारी पर है? क्या हो गया है ऐसा? कौन सी प्रॉब्लम है? मैं कभी कभी बुजुर्गों से बात करता हूं सीखने के लिए। मेरे घर में मेरी एक दादी मां है जो आजादी की लड़ाई में शामिल थी, 1942 की लड़ाई में शामिल थी,
शायद उसी के संस्कार मुझे मिले हैं। तो कभी कभी मैं जब उसके पास जाता हूं, उससे बातें करता हूं, तो पूछता हूं कि आप लोगों ने जब अपनी जान को हथेली पर लेकर 42 की लड़त में घर छोड़कर क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल होने का संकल्प लिया था, तो कौन सा सपना था आपके मन का? तो वो कहती है कि सपने तो हमारे बहुत ऊंचे थे। तो मैं उससे पूछता हूं कि तुमने तो सीधे देखा है, मैंने तो देखा नहीं, मैंने सिर्फ सुना है, उन सपनों के बारे में आपको क्या लगता है? तो वो कहती है कि अब मुझे शर्म आती है कि हमने ऐसे देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी है। इससे ज्यादा अफसोस का कोई दूसरा वक्तव्य हो नहीं सकता, एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसी महिला का जो खुद शामिल थी 42 की लड़ाई में। ऐसे और भी बुजुर्गों से मैं मिलता हूं, सब लोग एक ही बात कहते हैं, कभी कभी तो एक्सट्रीम का जवाब मुझे मिलता है। मैं तो पूरे देश में घूमता हूं, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी पूछता हूं, तो अक्सर बुजुर्ग लोगों की प्रतिक्रियाएं जो मुझे मिलती हैं, तो यहां तक मिलती हैं कि राजीव, अंग्रेजों का राज्य आज से ज्यादा अच्छा था। यह भी लोग कह देते हैं मुझको कई बार। तो मैं उनसे पूछ लेता हूं कि क्या आपके मन की गुलामी अभी तक गई नहीं है, जो आप कहते हैं कि अंग्रेजों का राज्य आज से ज्यादा अच्छा था? तो वो कहते हैं कि यह मन की गुलामी नहीं है, ये हम अपने दर्द से कह रहे हैं, खुशी से नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेजों का राज्य आज के राज से ज्यादा अच्छा था। और अक्सर मैं पूछता हूं कि उदाहरण के लिए बताइए कौन सी ऐसी चीज थी, तो कहते हैं कम से कम सुरक्षा तो थी, कम से कम हमारे मन के संकल्प तो थे, कम से कम इतने मानसिक रूप से तो गुलाम नहीं हुए थे जो आज हैं। तो ऐसे जवाब अक्सर सारे देश में सुनने को मुझे मिलते हैं, तो दुख और बढ़ जाता है कि क्या सपने देखे थे इस देश के लिए। कभी कभी मेरे मन में ऐसे कल्पनाएं अजीबोगरीब आती रहती हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं, मान लीजिए वो सारे के सारे क्रांतिकारी जो कुर्बान हो गए इस देश की आजादी के लिए, स्वर्ग से कभी कल्पना करिए वापस आ जाएं इस जमीन पर और देखें इस देश को, कि देखें हमारे हिंदुस्तान को जिसको हम आजाद करवा के लाए थे और सौंप कर आए थे, उस देश का क्या हाल है। अगर मान लीजिए वो बाय द वे आ जाएं, ऐसी कोई व्यवस्था हो, प्रभु की कृपा हो जाए, तो मैं आपसे बहुत दर्द से कह रहा हूं कि वो आज के हिंदुस्तान को देखकर शायद आत्महत्या करना पसंद करेंगे। ऐसा देश है जिसमें हम रह रहे हैं, ये कैसे हो गया है? हुआ है तो कहीं कोई गड़बड़ी हुई होगी, कहीं कोई चूक हुई होगी। कई बार क्या होता है कि जब खुशी बहुत ज्यादा होती है ना, तो अपनी गलतियां पता नहीं लगती। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा 1947 में, क्योंकि खुशी इतनी ज्यादा थी सरकार बनाने की और सत्ता हासिल करने की, तो उसमें क्या क्या गलतियां हुई वो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा। और आज ये लगता है कि अगर थोड़ा सा ध्यान दिया गया होता तो देश की ये दुर्दशा नहीं होती जो आज हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने। क्या दुर्दशा है इस देश की। मेरे मन में जो दर्द है, उसमें एक सबसे बड़ा दर्द ये है कि इस देश से अंग्रेज चले गए 1947 में, लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई इस देश से। और अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में अंग्रेजियत और गहरी होती चली गई है। माने जितनी अंग्रेजियत इस देश में आजादी के पहले नहीं थी, उससे कई गुना ज्यादा अंग्रेजियत इस समय देश में हर तरफ दिखाई देती है, जीवन के हर क्षेत्र में, वो चाहे राजनीति हो, वो चाहे अर्थव्यवस्था हो, वो चाहे समाज की व्यवस्थाएं हो, वो चाहे हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हो, हर जगह वो अंग्रेजियत के दर्शन मुझे होते हैं, जिस अंग्रेजियत को भगाने के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां कर दी अपने जीवन की। वो अंग्रेजियत क्या है, उसको समझना चाहिए। और गलती क्या हुई है, गलती हुई है गांधी जी ने जो देखा था उसके ठीक उल्टा हुआ है। गांधी ने तो देखा था कि अंग्रेज चाहे तो रहें, अंग्रेजियत चली जाए, लेकिन हुआ उसका उल्टा, अंग्रेजों को भेज दिया गया और अंग्रेजियत को इस देश में बाकायदा रखा गया। और ना सिर्फ रखा गया, इस पर ताली बजाने की बात नहीं है, यह दुख की बात है जो मैं कह रहा हूं। और आप लोग इतना तो समझिए कि कब ताली बजानी चाहिए, कब नहीं बजानी चाहिए।
दुख जो है वो ये है कि अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन अंग्रेजियत तो गहरी होती चली जा रही है लगातार इस देश में। और इसलिए मैं कहता हूं कि क्या कोई आजादी आ गई है इस देश में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।